नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया की फिल्म हीरोपंती 2 के 2 दिनों के इंडियन नेट कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर इंडियन नेट कलेक्शन कितना हो गया है। क्या ये दोस्तों उम्मीदों के मुताबिक है, जितनी उम्मीदें की जा रही थी उतना कलेक्शन ये फिल्म कर पाई, या दोस्तों उम्मीदों से इसका कलेक्शन बहुत कम रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये फिल्म किस दिशा में जा रही है, हिट होने की दिशा में या फ्लॉप होने की दिशा में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हीरोपंती 2 जो कि टाइगर श्रॉफ की एक जबरदस्त एक्शन फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म के प्रति लोगों में काफी उत्सुकता देखी गई थी, विशेषकर जब इस फिल्म का ट्रेलर 2 रिलीज हुआ था। ट्रेलर 1 इसका इम्प्रेसिव नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आया था और लोगों ने इसे एक फ्लॉप फिल्म ट्रेलर देखने के बाद में घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसका ट्रेलर नंबर 2 आया और वो ट्रेलर काफी इम्प्रेसिव था, उसमें टाइगर श्रॉफ के जो एक्शन दृश्य थे बहुत ही जानदार थे और उनके डायलॉग भी जबरदस्त थे। तो दोस्तों उस ट्रेलर ने फिल्म के प्रति लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी और फिर उसके बाद में जो फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई वो भी काफी जबरदस्त रही, काफी अच्छी रही। और दोस्तों इस कारण ये उम्मीद की जा रही थी कि हीरोपंती 2 अपने पहले दिन कम से कम 14 से 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग भारत में कर सकती है, इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ दोस्तों कि जैसे ही दर्शकों ने फिल्म देखी और क्रिटिक्स ने फिल्म देखी तो क्रिटिक्स ने फिल्म की धज्जियां उड़ा दी, क्रिटिक्स ने फिल्म की बहुत ज्यादा बुराई की, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म वास्तव में है भी अच्छी नहीं, क्योंकि दोस्तों फिल्म के स्क्रीन प्ले में दम नहीं है, कथा में दम नहीं है, डायरेक्शन में दम नहीं है। दोस्तों इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो अहमद खान ने किया है और दोस्तों फिल्म में केवल एक्शन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखा जा सके। दोस्तों इस कारण ये फिल्म दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोस्तों पहले दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मात्र 6.70 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर फिल्म अच्छी होती है, फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो फिल्म के कलेक्शन में शनिवार को बढ़ोतरी देखी जाती है, तकरीबन सभी फिल्मों के कलेक्शन में शनिवार को बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों चूंकि हीरोपंती 2 को बहुत ही ज्यादा खराब रिव्यूज क्रिटिक्स के द्वारा दिए गए और दोस्तों कई क्रिटिक्स ने तो फिल्म को 0 रेटिंग भी दी है, मतलब क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत ही खराब बताया। केवल टाइगर श्रॉफ अकेले कुछ नहीं कर सकते और टाइगर श्रॉफ भी और दोस्तों केवल एक्शन करते हुए फिल्म में नजर आते हैं, बाकी दोस्तों उनकी एक्टिंग कहीं पर भी उभर कर नहीं आती है। वो एक तरह से एक्शन सीन करते करते टाइप होते जा रहे हैं एज ए एक्शन हीरो। तो दोस्तों इस कारण शनिवार को भी फिल्म के कलेक्शन में उछाल आने के बजाय ड्रॉप देखा गया। जी दोस्तों शनिवार को फिल्म का कलेक्शन मात्र 6 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हीरोपंती 2 का प्रथम 2 दिनों का कुल बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन हो जाता है करीब 12.70 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये काफी कम है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है और दोस्तों आज संडे को ये फिल्म अपने कलेक्शन में कितना सुधार कर पाती है या आज फिर इसका कलेक्शन ड्रॉप होने वाला है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों शुरुआती 2 दिनों के कलेक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि हीरोपंती 2 है वो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है। हीरोपंती 2 को जहां रनवे 34 से टक्कर लेनी पड़ रही है, वहीं दोस्तों KGF चैप्टर 2 भी अभी बॉक्स ऑफिस पर बहुत जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हीरोपंती 2 को IMDb रेटिंग मात्र 2.5 स्टार आउट ऑफ 10 मिली है और गूगल पे भी इसको करीब 23% लोग ही फिल्म को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि फिल्म कितनी बेकार बनी है, कितनी वाहियात फिल्म ये बनाई गई है। दोस्तों इसी का परिणाम है कि हीरोपंती 2 का कलेक्शन इतना कम रहा है, जबकि दोस्तों टाइगर श्रॉफ की फिल्में अमूमन काफी अच्छी ओपनिंग लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है और लगता नहीं कि ये फिल्म हिट हो पाएगी बॉक्स ऑफिस पर। बाकी दोस्तों आने वाले दिनों में विशेषकर आज तथा ईद के दिन ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है, कितना अपने कलेक्शन में उछाल ले पाती है, इसी के ऊपर इस फिल्म का भविष्य, इस फिल्म का परिणाम तय होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तथा दोस्तों आज संडे को ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, वो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर।